हाँ जी नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों पीटीटी की काउंसलिंग की जो है सेकंड लिस्ट और अपवर्ड मूवमेंट की लिस्ट वो आ चुकी है, तो चलिए दोस्तों इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपके मन में कोई भी डाउट होता है, आपके कमेंट बॉक्स में अगर आपको रिप्लाई नहीं मिल पाता है, वैसे तो सबके रिप्लाई दे देता हूँ, तो आप सीधा सीधा मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो, कॉलेज रिलेटेड या किसी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड या फिर कुछ भी अगर आप पूछना चाहते हो तो वहाँ पर पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर देना, इंस्टाग्राम का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों जो है ये देखिए प्रिंट अलॉटमेंट लेटर, यहाँ पे जो है काउंसलिंग की जो है लिस्ट आ चुकी है। दोस्तों सेकंड लिस्ट आ चुकी है और अपवर्ड मूवमेंट की जो लिस्ट है वो यहाँ पे आ चुकी है। अब यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं क्या दिया गया है। यहाँ पे अपवर्ड मूवमेंट की जो है लिस्ट है वो यहाँ पर आ चुकी है दोस्तों, यानी रात तक आ गई थी, लेट तक। इसके बाद एडमिशन फीस 22,000, सबमिशन फॉर वेटिंग स्टूडेंट आफ्टर अलॉटमेंट, जो है एडमिशन फीस है जो 22,000 रुपये वो आपको 4 नवंबर से 9 नवंबर तक करवानी है, ठीक है दोस्तों। 4 नवंबर से 9 नवंबर तक करवानी है। रिपोर्टिंग इन कॉलेज आफ्टर अपवर्ड मूवमेंट एंड वेटिंग स्टूडेंट, वेटिंग स्टूडेंट, ये वेटिंग लिस्ट आई है दोस्तों। अपवर्ड मूवमेंट और वेटिंग लिस्ट यहाँ पर लिखी हुई है वो आई है। यहाँ पर 4 से 10 तक आप इसमें रिपोर्टिंग कर सकते हो, 4 से 9 तक आप इसके अंदर, 9 तारीख तक इसके अंदर आप 22,000 रुपये जमा करा सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो ये यहाँ पर लिस्ट आएगी है, तो यहाँ पे लिस्ट के लिए यहाँ पे सीधा आप इस पर जाके क्लिक करेगा। आप इस पर क्लिक करोगे तो इस प्रकार का ऑप्शन यहाँ पे खुलेगा, देखिए इस प्रकार यहाँ पे ऑप्शन खुलेगा। यहाँ पे आप अपने रोल नंबर डाल देना, काउंसलिंग आईडी डाल देना, डेट ऑफ बर्थ डाल देना, पेमेंट के अंदर ई मित्र का चालान वाला करके लॉगिन कर देना। वहाँ पर आपको सीधा सीधा लिखा जाएगा अगर आपको कॉलेज अलॉट हुआ है तो आपके द्वारा यहाँ पर भरे हुए कॉलेज में से आपको ये कॉलेज अलॉट हुआ है। यहाँ पर जो भी डिस्ट्रिक्ट है, जयपुर, कोटा, अजमेर, कहीं का भी जहाँ भी का कॉलेज है वो कॉलेज का नाम आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। और अगर आवंटित नहीं होता है तो आपका सीधा सीधा लिखा जाएगा कि आपके द्वारा भरे गए महाविद्यालय से कोई भी कॉलेज आपको आवंटित नहीं हुआ है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ऐसा लिखा जाएगा। कट ऑफ की बात करें, कट ऑफ क्या रही है दोस्तों, मैंने एक दो की कमेंट देखे हैं कि 320 साइंस, ठीक है, EWS में कॉलेज अलॉट नहीं हुआ। आर्ट्स के अंदर बहुत से स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, आर्ट्स के अंदर भी बहुत से स्टूडेंट को यहाँ पे कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, और किसी को हो गया। एसटी के अंदर शायद 285 प्लस के अंदर कुछ ऐसे कुछ नंबर है, 285 से ज़्यादा आ गए तो उसके अंदर एसटी में साइंस के अंदर कॉलेज मिल चुका है। अभी मैंने देखा है कमेंट, तो वहाँ पे देखा है कि उन्होंने कहा कि मुझे कॉलेज अलॉट हो गया है, तो उनको शायद कॉलेज में दिक्कत आ रही कि कॉलेज का डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। तो उनसे ये कहना चाहूँगा कि आप जो है पीटीटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट पर हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं वहाँ पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कॉलेज रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कॉलेज के अंदर किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड है, कुछ भी अगर पूछना चाहते हो तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। बाकी इनके द्वारा निर्देश दिया जाता है कि अगर आप 2 विषय चुनते हैं अगर आपके पीटीटी के अंदर, तो आप अगर 1 विषय अगर आपके कॉलेज में अवेलेबल है, दूसरा सब्जेक्ट आपके अंदर नहीं है, तो किसी के स्टूडेंट के ऐसा हुआ है कि बहुत से नहीं कहा था कि उनके एक सब्जेक्ट तो अवेलेबल है लेकिन दूसरा जो उनके जो उर्दू सब्जेक्ट है वो अवेलेबल नहीं है, तो उनको ये उन्होंने ये कहा था कि पीटीटी के अंदर यहाँ पे साफ देते हैं कि 1 विषय अगर अवेलेबल है तो दूसरा विषय जो स्टूडेंट है वो खुद यहाँ पे पढ़ सकता है अभ्यर्थी यहाँ पे, तो उसकी तैयारी आपको खुद करनी पड़ेगी। और इसके अलावा अगर आपके कोई भी जानकारी लेनी है कॉलेज से रिलेटेड, अगर समस्या है आपके, तो आप जो है या तो कॉलेज में फ़ोन कर लें या फिर किसी आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम पता नहीं चल रहा है तो वहाँ पे कॉलेज में कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए वहाँ पे आप पूछ सकते हो। तो या फिर जो पीटीटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जो हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, देखिए मैं आपको बता दूँ हेल्पलाइन नंबर आपको कहाँ मिलेंगे, ये देखिए ये यहाँ पे नंबर दिए गए हैं, हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं ये, ठीक है। ये पीटीटी की ऑफिशियल वेबसाइट के फ़ोन नंबर है, ऑफिस के ईमेल आईडी भी यहाँ पे दी गई है, तो आप यहाँ पे जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वेटिंग लिस्ट आई है दोस्तों, वेटिंग लिस्ट। अब जो है बहुत से स्टूडेंट के नंबर नहीं आया तो उन्होंने कहा है कि सर थर्ड लिस्ट आएगी क्या, आगे की एक और लिस्ट आएगी। तो दोस्तों अब ये प्रोसेस पूरे होने के बाद, ये प्रोसेस पूरी हो जाए उसके बाद सीटें जो है अगर खाली रहती है, सीट अगर खाली रहेगी तो यहाँ पर जो है एक और लिस्ट यहाँ पर निकाली जाएगी, ठीक है दोस्तों। सीट वगैरह यहाँ पर खाली रहेगी। अभी किसी ने कहा है कि उनके जो है पहली लिस्ट में जिनको कॉलेज अलॉट हो गया लेकिन दूर मिलने की वजह से वो कॉलेज में ज्वाइन नहीं करा, उन्होंने एडमिशन नहीं लिया, तो उनको इस लिस्ट में कॉलेज नहीं मिला, तो उनको कैसे मिलेगा, उनको कैसे मिलेगा, उनको फर्स्ट लिस्ट में अलॉट हो गया। अब आप नहीं गए तो वो आपकी गलती है, ठीक है, आपकी कुछ समस्या है, दूर है, कोई दिक्कत नहीं है,
ये उन्हीं को अलॉट हुआ है, ये वेटिंग लिस्ट का मतलब है, जिनको फर्स्ट लिस्ट में अलॉट नहीं हुआ तो उनको खाली रह गई, तो उनके लिए लिस्ट निकाली गई है। अब आपको जैसे किसी को जोधपुर मिल गई, अब वो जयपुर के हैं तो जयपुर नहीं गए, जोधपुर नहीं गए, तो वो सीट तो वहाँ मिल तो गई ना, वहाँ पे अब जाओ चाहे नहीं जाओ कोई दिक्कत नहीं है वो आपका, लेकिन आपकी सीट अलॉट हो गई आपको, आपका एडमिशन शुरू में आपका वहाँ पे उन्होंने वो कर लिया, मतलब आपकी जो है आपको मिल गई कॉलेज, आप गए नहीं गए वो आपकी ज़िम्मेदारी है। लेकिन वो अब जो बाकी जो लिस्ट निकली है, वो जो सेकेंड लिस्ट आई है वो जो है खाली रही, स्टूडेंट के लिए निकाली गई है, तो आपको सीधा सीधा माने नहीं ना कि आप सेकेंड लिस्ट के लिए एलिजिबल हो या पात्र हो। सेकेंड लिस्ट के अंदर उनको निकाला जिनको फर्स्ट लिस्ट में यहाँ पे कॉलेज नहीं मिली, आपको अगर फर्स्ट में मिल गई तो आप दूर की वजह से नहीं गए तो वो उनकी प्रॉब्लम नहीं है, वो खाली वेटिंग जो लिस्ट है वो निकाले हैं। अब कट ऑफ है जो, एक बार आप कमेंट बॉक्स के अंदर बता देना कि कट ऑफ का अंदाज़ा लग जाएगा कि किस प्रकार गई है, कमेंट बॉक्स में आप सभी बताना कि किस कैटेगरी से हो, कितने मार्क्स आए और आपको कॉलेज मिला या नहीं मिला, कॉलेज मिला या नहीं मिला इसका कमेंट ज़रूर करिएगा दोस्तों। आपको अगर कॉलेज नहीं मिला है तो उसके बारे में बताना आपको, और कॉलेज मिल गया तो भी आप बता सकते हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, पता लगे कि किस हिसाब से कट ऑफ गई है, क्या रहे, कितने नंबर वालों को कॉलेज मिला है, काफ़ी सारे स्टूडेंट जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अपनी कैटेगरी और अपना जो कॉलेज मिला या नहीं मिला ये ज़रूर बताना दोस्तों। मार्क्स भी बता देना साथ में, कॉलेज मिल गया है तो मार्क्स बता देना, नहीं मिला तो भी बताना मार्क्स, तो कि सर कि मेरा नाम ये है, मेरे मार्क्स इतने हैं, मुझे कॉलेज मिल गया है या नहीं मिला और मैं इस कैटेगरी से हूँ, ठीक है दोस्तों। कोई सा भी सब्जेक्ट है जो आप बता देना ज़रूर, चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो ज़रूर करें, धन्यवाद।